राज्यसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस ने अपना अभी तक उम्मीदवार सामने खड़ा ही नहीं किया है। बीजेपी इसे कांग्रेस की अंतरकलह मान रही है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारने को लेकर संख्या बल की कमी का हवाला दे रही है। चलिए इससे संबंधित एक रिपोर्ट देखते हैं, कलह पर किचकिच, फिर इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अंतरकलह बिना कांग्रेस जिंदा कैसे रहेगी? अंतरकलह अभी न्याय यात्रा में तो भीड़ कितनी आएगी ये विषय नहीं था। गाड़ी किसके क्रमांक में चलेगी और किसका नाम दीवार में लिखा रहेगा ये विषय, वो तो अंतरकलह और कांग्रेस इज इक्वल टू भाई भाई। क्या बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का ये बयान कांग्रेस की हकीकत को आईना दिखा रहा है? क्या सच में कांग्रेस कुनबे की कलह या अंतर कलह से जूझ रही है? ये सवाल सियासी हलकों में नेता प्रतिपक्ष के उस बयान के बाद गूंजा जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में राज्यसभा उम्मीदवार नहीं उतारने की बात कही। इसी के बाद अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के अंतर कलह का राग पूरी शिद्दत से गाया। देखिए वो बात अलग थी, आज ये स्पष्ट है कि हम अपने दल में से किसी को खड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 35 का आंकड़ा है। चूंकि एक ही राज्यसभा का सदस्य यहाँ चुन के जाना है, इसलिए हम उस मामले में कोई अपने दल की ओर से खड़ा नहीं करने जा रहे। ऐसा है, कांग्रेस तो पहले लड़ चुकी है, लेखराम साहू को खड़ा कराई थी सरोज पांडे जी के विरुद्ध में। कांग्रेस तो ताकत नहीं थी तो भी लड़ती थी, अब अभी बिल्कुल निराश हताशा है इसलिए शायद नहीं लड़ रही। अंतरकलह बिना कांग्रेस जिंदा कैसे रहेगी? अंतरकलह अभी न्याय यात्रा में तो भीड़ कितनी आएगी ये विषय नहीं था। गाड़ी किसके क्रमांक में चलेगी और किसका नाम दीवार में लिखा रहेगा ये विषय, वो तो अंतरकलह और कांग्रेस इज इक्वल टू भाई भाई। अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस ने उसी अंदाज में पलटवार किया। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि बीजेपी के अंतरकलह का जीता जागता उदाहरण अजय चंद्राकर है। देखिए भारतीय जनता पार्टी और अंतरकलह का जो दामन है वो तो विधानसभा में ही दिख रहा है। जिस तरह से अजय चंद्राकर जी और सीनियर लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया है वो विधानसभा में देखने को मिल रहा है कि क्या स्थिति है। अंतरकलह का जीता जागता उदाहरण तो वो स्वयं है अजय चंद्राकर जी। छत्तीसगढ़ में अंतरकलह पर सियासी कलह जमकर देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे पर अंतरकलह के बम फेंक रहे हैं। कांग्रेस में तो ये बम गाहे बगाहे फटता रहता है, बीजेपी में बम तो गिरता है पर आवाज सुनाई नहीं देती। 24 के महासंग्राम में जो भी पार्टी अंतर कलह की किचकिच रोक पाएगी जीत उसी का द्वार खटखटाएगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। राजनीति भी बहुत प्यारी चीज है, जानता हर कोई है लेकिन बताना हर कोई नहीं चाहता। राजनेताओं की कुछ शब्दावली भी बहुत कॉमन होती है जिसको वो समय के हिसाब से एक दूसरे पर फेंकते रहते हैं। अब राज्यसभा का ही मामला देख लीजिए। गुरुवार को एक शब्द आया कलह का, बीजेपी बोलती रही कांग्रेस में कलह है और कांग्रेस कहती रही बीजेपी में कलह है। अब इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट ही राज्यसभा में उतारना छत्तीसगढ़ से भूल गई। अब भले कांग्रेस ये कहे हमारी रणनीति है लेकिन हकीकत तो यही कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस की इसे अंतरकलह उजागर हुई। अब मौसम चुनावी हो और मुद्दा गर्म हो तो कौन वार पलटवार में पीछे रहने वाला है, लिहाजा सदन में मुद्दों से ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी के कलह की गूंज सुनाई पड़ी। सवाल वाजिब भी है कि जब 2018 में संख्या बल नहीं होने के बावजूद कांग्रेस ने लेखराम साहू को मैदान में उतारा था तो इस बार क्यों नहीं? अब कांग्रेस ने जब कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया है तो बीजेपी इसे कलह बताने में देर भी नहीं कर रही है। ऐसी परिस्थिति में जब मौका सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शक्ति परीक्षण का होता है तो राजनीतिक दल हर संभव ये कोशिश करते हैं कि चुनाव में हिस्सा लिया जाए ताकि सत्ता पक्ष की ताकत के साथ साथ अपनी एकजुटता का भी परीक्षण किया जा सके। तो फिर छत्तीसगढ़ के विधानसभा में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ऐसी स्थिति क्यों नहीं ला पाई? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के दावों में दम है या फिर कांग्रेस की वाकई कोई रणनीति का यह हिस्सा है? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ विशाल यादव साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा साहब हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। कृष्णमूर्ति बांधी साहब हैं, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी साहब, पूर्व विधायक है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुरेंद्र जी आपके पास ही चलता हूं। सुरेंद्र जी,
आपका राज्यसभा कैंडिडेट कहाँ है, पहला यही सवाल मैं आपसे करूंगा। भाई सीधी सीधी बात यह है, हमारे पास संख्या बल नहीं है, इसलिए राज्यसभा का उम्मीदवार भी नहीं है। ये हमारे अपने रणनीति का था, क्योंकि अभी सरकार एकदम नई बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और अभी से हम ज्यादा अभी थोड़ा अवसर देना चाहते हैं, बहुत जल्दबाजी हमको नहीं है, अभी 5 साल का समय है, अभी इनको काम करने दीजिए। और वास्तविक बात यह है कि कांग्रेस के अंदर कलह अंतर्कलह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कलहपुरी है। विशेष तौर पे जिन नेता ने हमको कहा कि कलह जो है और अंतर्कलह कांग्रेस दोनों चोली दामन के एक ही साथ है, उनकी दरअसल में पीड़ा ये है कि बड़े बड़े नेता हैं, तथाकथित रूप से कद्दावर नेता हैं, मंत्री बन नहीं पाए हैं, बड़ी परेशानी है। अगर अभी आप देखेंगे लगातार विधानसभा में तो जो वरिष्ठ नेता है, जो मंत्री पद के कगार में खड़े हैं, वो बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं, अपने तरफ से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम कितने बड़े चिंतक हैं, हम कितने बड़े कांग्रेस के विरोधी हैं, हम कांग्रेस को हर मामले में उसको उसके खिलाफ आरोप जारी। सुरेंद्र जी, अच्छा ना, आपका काम हल्का कर दे रहे हैं, आपका काम हल्का कर दे रहे हैं, विपक्ष की भूमिका भी वो निभा ले रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ सुरेंद्र जी, आप तो बहुत सीनियर हैं, 2018 में लेखराम साहू को उतारा था आपने, उस समय भी तो संख्या बल नहीं थी आपके पास, फिर भी आपने उतारा। भाई कंपटीशन में आना तो चाहिए, लड़ना तो चाहिए, हार जीत तो लगी रहती है, कैसे इस बार लेखराम साहू, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, 2018 में 39 सीटें आपके पास थी, लेखराम साहू को आपने उतारा, उस समय पता था आपको बहुत खास कि आप नहीं जीतने वाले, लेकिन फिर भी आपने कैंडिडेट उतारा, इस बार नहीं उतार पाए। देखिए 2018 में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होना था, और उस चुनाव के टेम्पो को बनाए रखने के लिए हमको एक उम्मीदवार उतारना बहुत आवश्यक था। इसके अलावा चुनाव नजदीक है शर्मा जी, सामाजिक समीकरण है, उसको साधने के लिए भी वो हमारी रणनीति थी। अब अभी हमारी रणनीति है कि हमको नहीं उतारना है, भाई भारतीय जनता पार्टी उतार ले, जिनको उतारना है वो उतारे, अभी उनके पास संख्या बल भी है, उनके पास मत भी है। अभी हम थोड़ा, मैंने कहा ना कि हम थोड़ा अवसर देना चाहते, हम लोग इतने जल्दबाज लोग नहीं है, अभी थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी अभी बनी, आदित्य जी आपने देखा भाई, आप अपना घर देखिए ना, दूसरे के घर में क्यों झांकते हैं, मेरा कुर्ता उसके कुर्ते से सफेद, उनकी मर्जी है भाई, नहीं खड़े कर रहे कैंडिडेट, नहीं खड़े कर रहे हैं, आपको तो अच्छा निर्विरोध आपका सांसद चुन लिया जाएगा। कलह वाले बयान का उद्देश्य समझ में नहीं आया बांदी साहब, जिस प्रकार से अजय चंद्राकर ने आज कहा। बांदी साहब, आदित्य भाई, राज्यसभा एक महत्वपूर्ण विषय रहा है और इस पर राजनीति भी चलती रही है, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक व्यवहार के कारण कि हमारी संख्या 35 है इसलिए हम नहीं खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस का एक दौर भी था जिसमें जानते थे कि उनकी संख्या बल नहीं थी, जिसका आपने उल्लेख किया 18 में, उसके बावजूद भी उन्होंने खड़ा, लेकिन वो राजनीति का एक हिस्सा मानते हैं, वास्तव में राज्यसभा एक राजनीति का हिस्सा है। ऐसा ना हो कांग्रेस जो कि 35 संख्या में हैं, उनके अंतर्कलह के कारण किसी न किसी कारणों से अगर संख्या कम होगी तो कांग्रेस के अंदर का जो गुटबाजी है और उभर कर ना आ सके, इस बात के लिए एक सिद्धांतिक व्यवहार जैसे सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और स्पष्ट है कि इनके जो नेतागण हैं राज्यसभा को लेकर के पहले भी कई प्रकार की रणनीति अपनाया गया था, आप जानते होंगे कि पिछले जब कांग्रेस के कार्यकाल में रहा है तो यही राज्यसभा सदस्य के लिए छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हितों को ध्यान में न रखते हुए छत्तीसगढ़िया का भी बात किया गया, उनके अधिकारों की बात किया गया, जब राजनीतिक अधिकार की बात आई तो दूसरे राज्य के लोगों को देकर के भी कांग्रेस की बहुत बड़ी फजीहत हुई थी, इसकी कथनी और करनी का उजागर हुआ था। इसलिए ये जो राज्यसभा सीट है इसकी कांग्रेस की सदैव कथनी करनी का एक अलग रहा है, वो भय अंदर से भयभीत है कहीं कुछ हो जाए तो फिर इसका अंदर में चुनाव में आएगा। तो इसलिए आदित्य जी आज बांदी साहब के पास, मेरे साथ विशाल भाई हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूं। विशाल जी, क्या वाकई में बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का जो जवाब आया है उससे आप सहमत हैं? कैंडिडेट खड़े नहीं करने के पीछे क्या उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी का? देखिए आदित्य जी, उद्देश्य सीधा राजनीतिक स्पष्टता दिखाता है ये, इसमें आप समझिए आने वाले कुछ समय में लोकसभा चुनाव है, राज्यसभा में संख्या बल कांग्रेस के पास है नहीं,
अगर ऐसे में वो अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो निश्चित रूप से हार तो तय है। इस हार का मैसेज लोकसभा में क्या जाएगा, कांग्रेस इससे थोड़ी भयभीत लगती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि एक मैसेज जाए। इस समय जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, चरणदास महंत बहुत ही मंझे हुए राजनेता हैं। अपने राजनीतिक कार्यकाल में उन्होंने तकरीबन 11 इलेक्शन जीते हैं, तो वो समझ रहे हैं कि आगे इसका दुष्प्रभाव हो सकता है। राज्यसभा में अगर वो उनका कैंडिडेट हारता है, लोकसभा में उसका मैसेज क्या जाएगा वो स्पष्ट है। ये एक राजनीतिक रूप से इसको समझा जाना चाहिए ये कि भाई कांग्रेस नहीं उतार रही है तो स्पष्ट है वहाँ तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि उनके पास उतने नंबर्स है ही नहीं। और निश्चित रूप से यहाँ पे बीजेपी अपना राज्यसभा का चुनाव आसानी से जीत जाएगी। ठीक है सुरेंद्र जी, 11 कहाँ से ढूंढेंगे? एक नहीं ढूंढ पा रहे हैं कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर बड़ा आरोप लगा रही कांग्रेस के ऊपर। आपकी अपनी एकता दिखाने का मौका मिल जाता कम से कम, ये तो पता चल जाता कौन अपने साथ है कौन नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहीं सेंध लगा देगी ऐसा तो नहीं लग रहा था, और एकता पर भी? नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उनके लिए संभव होगा तो जरूर सेंध लगा देगी, ये तो उनका यूएसपी है। मगर ये अभी सेंध वेंध की बात नहीं है, बात दरअसल ये है कि चूंकि अभी चुनाव हुआ है, अभी विधानसभा के चुनाव बहुत दूर है और हमारे पास संख्या बल नहीं है। हम इस बात को जानते हैं किसी कैंडिडेट को खड़े करके हरवाने की क्या जरूरत है हमको। अभी हम लोकसभा में पूरी ताकत के साथ जुटेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत चुनौती प्रस्तुत करेंगे, उनको बताएंगे। अभी मोदी जी की जो गारंटी है, जो उन्होंने गारंटी दिया था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे उस पर बात करेंगे, महंगाई कम करने की बात हुई तो उस पर बात करेंगे, किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात हुई तो शंभू बॉर्डर पर क्यों लोग इकट्ठे हैं इस पर बात करेंगे, इन सारी बातों पर, मुद्रा रुपये का मूल्य क्यों गिर रहा है उस पर बात करेंगे, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ उस पर बात करेंगे, विदेश से कितना काला धन आया उस पर बात करेंगे। अभी बात करने के लिए हमारे पास बहुत अवसर है आदित्य जी। दरअसल मैं अभी हम चुनाव हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बड़ा ऊंचा है और बड़े कूद कूद के वो बात कर रहे हैं। हमको जनता का जनादेश स्वीकार है और चूंकि जनता ने हमको इस बार राज्यसभा में आदमी भेजने के लिए पर्याप्त मत नहीं दिए हैं, इसलिए हम उस हार को स्वीकार करते हुए अपना उम्मीदवार नहीं खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतरकला की बात कर रहे हैं, हमारी तो अंतरकला है, इनका तो खुला कला है। भारतीय जनता पार्टी आज विधानसभा में जिस तरह से गृह मंत्री को घेर रहे हैं, जिस तरह से शिक्षा मंत्री को घेर रहे हैं, जिस तरह से तमाम मंत्रियों को ऊपर सवाल के ऊपर सवाल दाग रहे हैं, ये पता चलता है कि कितनी कुंठा है, कितनी चिंता है, मंत्री नहीं बन पाने का कितना अफसोस है। ये आने आने अभी इब्तदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो इंतजार करेंगे, हम भी थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद आक्रमण शुरू करेंगे। ठीक ठीक बांदी साहब, अब कैला वाली बात से थोड़ा हम अलग हटते हैं। आपने राज्यसभा सांसद के लिए जो उम्मीदवार आपने चुना है उसके पीछे की क्या रणनीति है? गोंड समाज को साधने की कवायद है या केवल हर बार की तरह नया प्रयोग? इससे लोकसभा चुनाव में फायदा मिलता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को? आदित्य जी, मैंने कहा कि राज्यसभा समेत एक अपर हाउस का एक मामला है, सब राजनीति हम सब समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के एक सामान्य कार्यकर्ता को भी दे करके ये देती कि राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक अधिकार है। ये दिल्ली से एटीएम की तरह चलने वाला नहीं है कि पिछले समय कांग्रेस के लोगों ने छत्तीसगढ़ के जो राज्यसभा का अधिकार था, छत्तीसगढ़ियों की पूरी बात की, लेकिन राजनीति में छत्तीसगढ़ियों को राजनीति का अधिकार न देते हुए छत्तीसगढ़ के लोगों को धोखा दिया और दूसरे राज्य के लोगों को राज्यसभा से निर्वाचित करके यहाँ से गया है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को दे करके यही संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ है, हर कार्यकर्ता छोटे बड़े सब कार्यकर्ता के साथ है और सबको मौका मिलता है अपनी बात को, अपने पदों को, अपने सम्मान की प्रतिष्ठा, सबको अवसर मिलता है और ये एक अवसर भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इस छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ के राज्य के लोगों को नहीं यार, भारतीय जनता पार्टी ने एक
एक छोटा सा कार्यकर्ता को भी एक अवसर देने का जो काम किया गया है, ये एक महत्वपूर्ण संदेश है छत्तीसगढ़ के लोगों में, और काम करने में एक विश्वास है, एक विश्वास पैदा हुआ जनता में, कार्यकर्ताओं में एक विश्वास पैदा हुआ कि नहीं, अब हमें भी एक अवसर मिलने का है। तो आज हमने देखा भी है कि लोकसभा में जब जिस तरीके से आवेदन आ रहे हैं, उससे अंदाज लगता है कि 100 125 ऐसा उम्मीदें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसी दृष्टि से निर्णय करके आगे बढ़ रही है। तो एक अच्छा संकेत है जो राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक उम्मीदवार को खड़ा किया है। आदित्य जी, ठीक है, ठीक विशाल जी, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित थी, लेकिन रणनीति बीजेपी की बताइए। ऐसे प्रत्याशी को उतारा जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, प्रत्याशी खुद सरप्राइज था जब हम लोग उनसे बात कर रहे थे। पार्टी की सोच कहां तक आपको लग रही है? ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से तय है कब किसको मैदान में लाना है? हम ही लोग सोचते रहते हैं, मैं आपको विश्वास नहीं करेंगे, जिस समय नाम आया देवेंद्र जी का वहां से, तो मैं गूगल में टाइप करके देख रहा था, मुझे उत्तर प्रदेश के कोई विधायक का नाम नजर आया, तो मेरे मन में भी आया यार कि यही कांग्रेस ने भी बाहर के लोगों को यहां से सांसद बनाया था, राज्यसभा सांसद, उसी पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी तो नहीं चल रही। लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद समझ में आया कि राज परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। बहुत दूर की सोचती भारतीय जनता पार्टी। देखिए आदित्य जी, इस समय बीजेपी का जो फोकस है वो लोकल लीडर्स पे, जिस हिसाब से सामने आए नाम, वो ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो राज्यसभा के लिए जो नाम आया है वो कोई नया नाम नहीं है, उनके पिछले उस पर जाएंगे तो देखेंगे कि उनके पिताजी भी राज्यसभा में रहे हैं, विधायक रहे हैं, बट वो कांग्रेस से विधायक थे। हाँ, जी वही, लेकिन एक मतलब राजनीतिक तौर पे उनकी पहचान तो है, वो खुद भी लंबे समय कांग्रेस में रहे और फिर छोड़ के बीजेपी में आए, तो कहीं ना कहीं एक ये पार्ट है। दूसरा, वो गोंड समाज के से आते हैं, गोंड समाज आदिवासी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि बीजेपी उस वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश में, ये राजनीतिक तौर पे होता है ऐसा, वो कांग्रेस और बीजेपी जब भी मौका मिलता है तो वो सामाजिक समीकरण को बैठाते हैं, तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक सामाजिक समीकरण को बीजेपी ने देखा है और उसी हिसाब से अपना कैंडिडेट चुना है। सुरेंद्र जी, पार्टी में क्या वाकई में कलह है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एकजुटता विधानसभा में नजर नहीं आ रही है। हारने के बाद के बयान, चाहे अमरजीत भगत के हों, चाहे आपके कई नेताओं के हों, आपको पता ही होंगे, क्या वाकई में इतनी कलह थी अब धीरे धीरे सामने आ रही है? विधानसभा में आपका रोल जो है वो विपक्ष का जो रोल है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही पूरा कर दे रहे हैं, एकजुटता नहीं नजर आ रही विधानसभा के भीतर भी। सुरेंद्र जी, थोड़ा ध्यान दीजिए कम से कम। देखिए दरअसल में क्या है, जो हार है वो एक बहुत गंभीर जख्म देती है, और खास तौर पे हमारी पार्टी में तो लोगों को खुलकर बोलने का हक है, अधिकार है, लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है या एकजुटता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम पूरी तरह से एकजुट हैं। अभी गांधी जी ने एक बात कही कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सोच अलग, दरअसल में वो धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के बजाय कांग्रेस युक्त भाजपा बना रहे हैं, और इनका दिल बहुत बड़ा है। एक कांग्रेसी को यहाँ राज्यसभा का टिकट दे दिया, एक कांग्रेसी को महाराष्ट्र में तत्काल शामिल किया और राज्यसभा का टिकट दे दिया, तो दरअसल में ये चिंता का विषय तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए है कि जो वर्षों से वहां घुट पीस रहे हैं बेचारे क्या करेंगे। ये कांग्रेस के तमाम लोगों को ले लेकर के किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, किसी को राज्यसभा में भेज देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं। दरअसल में पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जो हिस्सा है। इसका दूसरा, सुरेंद्र जी, इसका दूसरा पार्ट यह है कि आप अपने ऐसे नेताओं की इज्जत नहीं कर पाए या उनको सम्मान नहीं दे पाए, इसलिए वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। अशोक चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या मांग रहे थे बताइए ना, मिलिंद देवड़ा, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, आपके साथी तो जुड़े थे, आप उन्हें दे देते जो मांग रहे थे, क्यों नहीं दे पाए आप? नहीं, वो तो एक अलग विषय है, मैं उसके संबंध में बात करूंगा, मगर भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करते हैं, जो बेचारे बरसों चना खा खा करके गली गली घूम घूम कर घरों घर जा करके आरएसएस में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते रहे, वो बेचारे किनारे बैठे हैं, और कांग्रेस से आइए, राज्यसभा पाइए, मंत्री पद पाइए, ये तो भारतीय जनता पार्टी सोचना चाहिए। हमारी पार्टी भी जरूर सोच रही है कि ऐसे नेता लोग जिनको हमने नाम दिया, काम दिया, प्रतिष्ठा दी, पद दिया, सब कुछ दिया, हमको क्यों छोड़ करके जा रहे हैं, हमारे लिए चिंता का विषय है, पार्टी इस पर विचार कर रही है, मगर ये कालांतर में भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा
कि आपके साथ बरसों संघर्ष करने वाले जो लोग हैं वो कहाँ हैं, और जो बिना संघर्ष किए दल बदल किए वो कहाँ हैं। सवाल लेता हूँ ये, जी 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 जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक। बांदी साहब, आपकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष का रोल प्ले कर रहा है, अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, ऐसे विधायक अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, शायद वो मंत्री नहीं बन पाए तो पूरा जो किरदार है उनका वो ऐसा लग रहा है विपक्ष का ही, अपने ही मंत्रियों को घेर रहे हैं विधानसभा के भीतर, तो सरकार की स्थिति लगातार अप्रिय होते जा रही। बांदी साहब, आदित्य भाई, मैं दो विषय में, एक तो सुरेंद्र जी का बातचीत कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई बेचारा के शब्द का नहीं है, और नहीं हमदर्दी का, आपकी हमदर्दी का कांग्रेसियों की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक संस्कारित कार्यकर्ता है, उसकी वाणी, उसके संपर्क, उसकी चर्चाएं एक संस्कार के आधार पर रहती है, और बोलने का किसी को भी अमर्यादित बोलने का और उन तथ्यों को बोलने का कांग्रेस में ही परंपरा है, इसलिए कांग्रेस पूरे देश में सिमट करके रह गई, अब उसके पास कोई संस्कारिक सिद्धांत नहीं है। दूसरी बात आदित्य जी, आपने विधानसभा में वे आज जो प्रश्न उठ रहे हैं, हम इन प्रश्नों को बड़ी गंभीरता से कांग्रेस के कार्यकाल में भी उठाते रहे हैं, और हम उसके जनता के हित में, छत्तीसगढ़ में हमने जनता के हित में न्याय करने की बात कर रहे थे। आज भी हमारे जो नेता लोग हैं आज भी उन मुद्दों को लेकर के सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, और उसको उसकी जानकारी उसके दिखाने की बात कर रहे हैं कि वह जनहित में आप इस बातचीत को करें, और मंत्रियों को भी ठीक है। विशाल जी, आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है कि एकजुटता बताने की कोशिश है फिर, या कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपा रही है, अपनी कमियों को ढकने की कोशिश तो नहीं कर रही, क्या वाकई में एक कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाई कांग्रेस, 11 कहां से ढूंढेगी? आपको लगता है कोई खर्चा तो लगता नहीं, कम से कम कैंडिडेट तो उतारती, अब लोकसभा में 11 नए उम्मीदवार चुनने की एक बड़ी कांग्रेस के लिए ऐसा लगता है फजीहत हो जाएगी आने वाले समय में? देखिए आदित्य जी, सबसे पहले तो उम्मीदवार चुनना, फिर दूसरा चुनाव जीतना, दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस समय जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष का नहीं है, बिल्कुल। तो ऐसे में जो आपने कहा कि स्थिति वाकई में कांग्रेस की बड़ी परेशानी वाली है, ठीक है। देखिए, बहुत साफ कहा जाता है, हर फील्ड में कहा जाता है, राजनीति नहीं हर फील्ड में, आप मैदान में उतरेंगे तब तो पता चलेगा आप हारेंगे कि जीतेंगे, आप मैदान में आए नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपकी हार होगी कि जीत होगी। पहले से ही आपने सामने वाली टीम को अगर जीता घोषित आप करना चाहते हैं, वॉकओवर देना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर नुकसान इसमें आपका। लड़िए तो, देखिए तो, अपना मजा है लड़ाई का भी। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल नहीं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।